हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे 5 किलोवाट और 4 किलोवाट या 3 किलोवाट के स्टेबलाइजर होते हैं उसमें पीसीबी बोर्ड कौन सा लगाएं। मेरे पास ये दो बोर्ड हैं, एक लेटेस्ट वर्जन है और दूसरा है ओल्ड वर्जन। तो इस बोर्ड में क्या है, दो रिले केवल ऑपरेट हो सकती हैं, इनपुट की और आउटपुट की, और इसमें कोई हाई कट वाला ऑप्शन नहीं है और ना ही कोई टाइमर रिले है। इसमें दो सप्लाई देनी पड़ती हैं, एक है 12 वोल्ट, इसके लिए आपको 909 अलग से लगाना पड़ेगा अगर आपके इसमें नहीं है स्टेबलाइजर में, और दूसरा 24 वोल्ट। लेटेस्ट वर्जन है, इसको लगाने से ये फ़ायदा है, इसमें एक ही सप्लाई देनी पड़ेगी वो भी 24 वोल्ट की, और इसमें इनपुट की रिले, आउटपुट की रिले, टाइमर की रिले और हाई कट की रिले लगा सकते हैं, 4 रिले लगा सकते हैं। और ये दो पॉइंट जो हैं ये 24 वोल्ट के लिए, और ये कॉमन पॉइंट जो रिले का होगा उसका इनपुट वाली पहली रिले, ये इसका एक पॉइंट, इनपुट वाली दूसरी रिले का ये पॉइंट, और आउटपुट वाली रिले का ये पॉइंट, और हाई कट वाली रिले का ये पॉइंट, इसमें ये रहेंगे। और ये जो है SW लिखा है यहाँ पे, ये है, इसको अगर शॉर्ट करेंगे तो क्विक स्टार्ट हो जाएगा, इसमें टाइमिंग चलेगी, आप क्विक स्टार्ट से रख सकते हैं। ये जो 3 पॉइंट हैं, ये 2 LED लगेंगी, मेन वाली और टाइमर वाली। आपके स्टेबलाइजर में एक किट ख़राब गई है ओल्ड वाली, तो आप सेम किट की जगह जो है ये वाली किट लगा सकते हैं, क्योंकि अगर भविष्य में आपको उसमें टाइमर लगाना होगा तो उसके लिए रिले लगाने के लिए आपको, अगर ये वाली लगाएंगे तो रिले लगाने के लिए ये कनेक्शन हो जाएंगे। अगर ये वाली दोबारा लगा देंगे, अगर भविष्य में आपको रिले लगाना होगा तो उसके लिए फिर PCB भी चेंज करनी पड़ेगी। इस किट का इंस्टॉलेशन वीडियो अगली वीडियो में मैं दे दूंगा। धन्यवाद।